अगर हमारा समाज कितना भी मॉडर्न और एजुकेटेड हो जाए, तीन चीजें हैं ओनली मेन हैव टू फेस इन आवर सोसाइटी। पहला है बीइंग द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, मतलब अगर परिवार के लिए कोई रोटी कमाएगा तो वह मर्द ही है। बचपन से ही लड़कों को बोला जाता है कि अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, परिवार के लिए पैसा कमाना है, लड़कियों की शादी करनी है। अगर आपने बीवी से अपनी बहन से मदद ले ली, नॉट गुड। पॉइंट नंबर टू, मर्द को दर्द नहीं होता। ये मूवी थी लेकिन आज तक इस फ्रेज को हम फॉलो करते आए हैं। मत रोना बुरी बात है और बड़े होते ही कोई भी इमोशनल सिचुएशन में लड़कियां रोए तो कोई बात नहीं, पर वहीं लड़के अगर ओपनली अपने इमोशन दिखाते हैं तो अगेन क्वेश्चन मार्क उठते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। पॉइंट नंबर थ्री, मैन आर टोल्ड कि अगर उन्हें पावरफुल दिखना है तो वायलेंस के थ्रू ही हो सकता है। चाहे वो मूवीज हो चाहे गाने हो, हमेशा ही दिखाया जाता है दैट मैन आर सपोज टू बी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर सिस्टर्स, ऑफ देयर वाइव्स, ऑफ देयर गर्लफ्रेंड्स। वो तभी हो सकता है अगर वो वायलेंस के थ्रू अपने दुश्मनों का खात्मा करे। इन सब चीजों को टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बोला जाता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू गाइस हैव एवर फेस्ड दैट।